हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी का CGPSC मेंस प्रोग्राम में डिस्कशन कम्युनिटी के द्वारा लॉन्च किए गए एनालिसिस वीडियो में स्वागत करती हूं। बच्चों, लास्ट जो हमने 6 तारीख को आपको प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन जो दिए थे, वो क्वेश्चन थे आपके 3 टॉपिक से, जिसमें थी भाषा, वर्ण विचार और थे उसमें हमारे लिए आपके वर्तनी शुद्धिकरण से। ठीक है, जब मेरे द्वारा कॉपी चेक करी गई, यानी आपने जो आंसर हमको ऑनलाइन भेजे थे, उस पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो अनावश्यक लिखते हैं। एक चीज़ बता दूं कि प्रश्न का जो पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो 2 नंबर के होते हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री में है, जैसे पॉलिटी में है, जैसे GS में है, तब आप वहाँ पर क्या करते हैं कि 2 नंबर के शब्दों के लिए वहाँ पर शब्द सीमा होती है कि 30 वर्ड्स में लिखना है कि 40 वर्ड्स में लिखना है। पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी एक व्याकरण का खंड से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछता है, इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों ने वहाँ अंतःस्थ वर्ण के नाम लिखिए, इसमें कुछ बच्चों ने बहुत सटीक जवाब दिया कि अंतःस्थ वर्ण य र लव चलेगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने उसे एक्सप्लेन किया कि अंतः स्थापित वर्ण या अंतःकरण से उच्चारित होने वाले यण संधि की प्रक्रिया से निर्मित जो वर्ण है वो अंतःस्थ वर्ण होते हैं, और उसके उदाहरण लिखे य र लव। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि अंतःस्थ वर्ण से आप क्या समझते हैं, उनके नाम लिखिए, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी वॉवल्स, मतलब कि अंतःस्थ व्यंजन क्या हैं और कितने अंतःस्थ वर्ण होते हैं वो लिखा जाता। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा था कि अंतःस्थ वर्णों के नाम लिखिए, दैट मीन आपको सिर्फ उसके नाम लिखने थे। कोशिश अच्छी थी। कुछ बच्चों ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा को भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, एक सटीक जवाब बच्चों ने दिया था। एक खुशी मिलती है जब आपके द्वारा लिखे गए उत्तर से हमें संतुष्टि मिलती है। अनावश्यक लिखने से बच्चें, क्योंकि प्रश्न यदि कहता है परिभाषित कीजिए तो सिर्फ उसका डेफिनेशन लिखना है, और अगर समझाइए कहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है उसको वहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से बच्चों ने राजभाषा में छत्तीसगढ़ी को मेंशन किया है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी हमारी राजभाषा अभी भी बनी नहीं है, इसके लिए जुझारू तौर पर कार्य किए जा रहे हैं। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, इसका मानकीकरण किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित रूप पर स्वीकार नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का जब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता, उसे केवल बोली स्वीकारा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रशासनिक कार्य के लिए अभी भी राजभाषा हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बच्चों ने बहुत ही सटीक, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए, मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि आयुषी गुप्ता, सुषमा अग्रवाल, शुभम जैन, नीतू गुरु, आकांक्षा पांडे, मधुलिका डिक्सेना, योगेश साहू, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही सुंदर जवाब जो है वो लिखा है। कोशिश करें बच्चों कि व्याकरण में शब्द सीमा नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे कि व्याकरण में शब्द सीमा नहीं होती है, यानी कि यदि वो परिभाषा पूछता है, यदि वो उसको समझाने कहता है, तब आप उसे शब्द सीमा में बांध सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ विलोम कहता है तो आपको वहाँ पर विलोम शब्द ही लिखने हैं, उसको विलोम क्या होते हैं ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना पूछा जाए उतना लिखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम चलेंगे व्याकरण का दूसरा अंग, जिसमें हमने क्वेश्चन दिए था आपको 7 तारीख के क्वेश्चन में शब्द विचार पर। शब्द विचार अगर हम कहें तो इसके 3 आधार पर से हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, जो थे रचना के आधार पर, इतिहास के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, आज की वीडियो में हम केवल दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको भाषा से संबंधित जो विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, अनिवार्यता है, उन सब के बारे में आपको बता दिया है। और इतने प्रश्न पत्रों को हल करते समय अब आपको इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि लिखा कैसा जाए और प्रयोग कैसा किया जाए। तो हम चलते हैं सीधे से सीधे क्वेश्चन के जवाब की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बात, जो 6 तारीख के वीडियो में मैंने आपको भाषा,
वर्ण विचार और वर्तनी बताई थी, तो थोड़ा सा मैं पीछे से चलूं कि भाषा विचार प्रस्तुति का माध्यम होती है। जब एक मनुष्य अपने मन की भावनाओं संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक प्रस्तुत करता है तब वह माध्यम भाषा होती है। भाषा को मुख उच्चारण के द्वारा प्रस्तुत करता है तो वह भाषा मौखिक होती है, लेकिन किसी उच्चारण ध्वनि को जिस लेखन प्रक्रिया के माध्यम से वो बांध देता है, जहाँ आड़े तिरछे वक्र आकार का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से उसे एक सांकेतिक चिन्ह मिलता है, तो वो कहलाती है लिपि। ठीक है, देवनागरी के 52 वर्णाक्षरों को वर्णमाला के अंतर्गत हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन वर्णमाला को पढ़ते हैं। उच्चारण की शुद्धता से वर्तनी प्रभावित होती है, और यदि उच्चारण में ही गलती है, चाहे वह स्वर के प्रयोग में हो या व्यंजन के प्रयोग में, तो जवाब जो है वर्तनी लेखन को प्रभावित करते हैं। आज जो 7 तारीख को जो वीडियो दिया गया था उसके आंसर पर हम डिस्कस करेंगे शब्द का। तो सबसे पहली बात कि शब्द क्या होते हैं। वर्णाक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्ण अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो वर्णाक्षरों के मध्य होती है संधि, जहां संधि में संयुक्त अक्षर बनते हैं, जहां प्रथम संयोग, मध्य संयोग और द्वितीय प्रयोग के द्वारा चीज़ों को जाना जाता है। शब्द वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को कहा जाता है। सबसे पहले है रचना, मतलब अगर हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो आधार बन जाता है, रचना का आधार। दूसरा, इतिहास, जिसे हम बेस्ड ऑन ओरिजिन कहते हैं, मतलब कि ये हमारे पास आया कहाँ से, तो उद्भव, उद्गम और स्रोत का आधार बनता है। ऐसे शब्द जिसने हमने बनाया या ऐसे शब्द जो हमारे पास आया, अगर पढ़ते समय हम उसके अर्थ को समझ जाते हैं तो वो आधार जो है वो अर्थ के आधार पर बनता है। और इसी से संबंधित प्रश्न 7 तारीख को आपको दिया गया था, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका जवाब क्या होगा, प्रश्न ने कहा है रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। एक है रूढ़ शब्द और दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना मतलब जब हम वर्णाक्षरों को मिलाते हैं, जिसका संयुक्त अक्षर किया जाता है, इस संयुक्त अक्षर में कभी शब्द बनते समय प्रथम वर्ण पहले ही संयोग कर लेता है, जैसे ध्यान, प्यार, त्याग, न्याय। ठीक है, कभी कभी ये मध्य में संयोग करता है, जैसे कि हिम्मत, बम्फर। ठीक है, कभी कभी एक व्यंजन का 2 बार प्रयोग होता है तो वो द्वितीय हो जाता है, जैसे पट्टी, दिल्ली, बिल्ली। ऐसे शब्द जिसका रचना हमारे द्वारा किया जाता है वर्णाक्षरों को मिलाकर, तो वो रचना का आधार बनता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसे समझाना है। रूढ़ शब्द को हम ट्रेडिशनल वर्ड्स कहते हैं। ट्रेडिशन मतलब कि परंपरा। स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाले ऐसे शब्द जिसे 2 खंड में बांटा नहीं जा सकता, किसी परंपरा के नियमों से बंधे हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे भवन, जैसे कि हम कहते हैं महल, जैसे कि पति, जैसे कि पुत्र। ठीक है, ये सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं जल, जैसे कि मंदिर, जैसे कि देवता, ये ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ हैं, यहाँ तक कि हाथ, पैर, नाक, कान। अब अगर आपको हम बताएं, जैसे कि जल को तोड़े, है ना, अगर हम जल को तोड़ते हैं तो एक संयुक्त अक्षर है जहाँ ज व्यंजन से अस्वर तथा ल व्यंजन से अस्वर मिला है, तो ये पूर्ण रूप से एक शब्द बना जल। तो जब से हमने जाना है कि पीने योग्य जो जीवन देने वाला है वो जल है, वैसे ही जहाँ एक भव्य महल है, उसी तरह पति, पुत्र, मंदिर, जल, देवता, ये सारे हमारे लिए रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब कि स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाले ऐसे शब्द जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता। अगर हम इसे खंड में बांटेंगे तो केवल वर्णाक्षर जो है वो अलग होंगे। जिस परंपरा के नियम से पहले प्रयोग किए जाते थे वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे उदाहरण रूढ़ शब्द के होते हैं। ठीक है, दूसरा योग रूढ़।
योग रूढ़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना होगा कि एक शब्द होता है यौगिक, ठीक है। यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ को समझने के लिए दो शब्दों को जानना पड़ेगा कि वो शब्द जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बने हुए ऐसे शब्द जिसे आवश्यकता के अनुसार दो भाग में बांटा जा सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिसका निर्माण संधि की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से, उपसर्ग की प्रक्रिया से और प्रत्यय की प्रक्रिया से निर्मित होती है। जैसे कि यदि हम विद्यालय कहें संधि की प्रक्रिया में, तो विद्या और आलय को अलग किया जा सकता है। यदि इसी तरह हम रसोई घर कहें जो एक सामासिक शब्द है, तो रसोई और घर को अलग किया जा सकता है। यदि प्रतिदिन उपसर्ग का प्रयोग देखें तो प्रति उपसर्ग दिन शब्द से अलग किया जा सकता है। और इसी तरह यदि हम कड़वा आहट कहते हैं तो कड़वा शब्द से आहट अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो दो शब्द के योग से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया से बनकर आते हैं, जिसे बड़ी सरलता से दो भाग में विभक्त किया जा सकता है। प्रश्न ने क्या पूछा है कि योग रूढ़ शब्द से आप क्या समझते हैं। योग रूढ़ में दो शब्द है, यौगिक भी और रूढ़ भी। तो इसका डेफिनेशन या इसकी पहचान क्या होगी कि यौगिक शब्द के वे तत्व जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से निर्मित हों इसलिए यौगिक होंगे, लेकिन यदि वह किसी परंपरा के दायरे से बंधकर रूढ़ हो जाता है तो योग रूढ़ यानी कि ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि दो शब्द से मिलकर ऐसे शब्द जिसे दो खंड में बांटा जा सके, चाहे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया से बना हुआ यौगिक हो, लेकिन अगर विशेष अर्थ है तो किसी परंपरा से बंध जाता है तो रूढ़ हो जाता है। इसलिए यौगिक होकर परंपरा से बंधे हुए शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम बहुव्रीही समास के उदाहरण योग रूढ़ यानी कि ट्रेडिशनल कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम कहते हैं कि जैसे दशानन, दशानन एक समासिक शब्द है, दस है आनन जिसके कहकर एक समास से बना हुआ यौगिक है, लेकिन यह परंपरा से रूढ़ है केवल रावण के लिए, ठीक है। जब हमने पंकज कहा तो पंक में ज जो है वो प्रत्यय है, पंक में ज प्रत्यय है, लेकिन पंकज कहते ही सबसे पहला ध्यान हमारे लिए कमल की ओर जाता है। तो प्रश्न ने क्या कहा था, रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो एक बार बता दूं कि स्वतंत्र सत्ता रखने वाले ऐसे शब्द जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता, जिस परंपरा के नियम से बंधे थे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। घर, भवन, मंदिर, दानव, देवता, प्रेम, ये सब हमारे लिए रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जो विशेष अर्थ है तो किसी परंपरा से बंध जाए तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अधिकांश बहुव्रीही वाले समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा है, दो यौगिक तथा दो रूढ़ शब्द के उदाहरण दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ने कहा दो यौगिक तथा दो रूढ़ शब्द। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं और यौगिक शब्द क्या होते हैं। प्रश्न ने कहा है कि दो यौगिक तथा दो रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल दीजिए। तो हम यदि रूढ़ शब्द के उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं जैसे कि मंदिर, जैसे कि देवता, जैसे कि घर, इसी प्रकार हाथ कह सकते हैं। ये हमारे लिए रूढ़ शब्द है क्योंकि जब से हमने जाना है कि जहाँ परमेश्वर का वास होता है वह मंदिर कहलाता है, जिसकी हम आराधना करते हैं वो देवता है, मतलब हम इसके पर्यायवाची जानते तो हैं परंतु हम हमेशा इस शब्द को रूढ़ीवादी परंपरा यानी कि प्रचलन के आधार पर इनको उसी रूप में पुकारते हैं, इसलिए वो रूढ़ है। अब यौगिक शब्द कहता है तो यौगिक शब्द कौन से होंगे जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बना होगा। यदि आप यहाँ पर प्रतिक्षण कहें तो भी हमारे लिए यौगिक शब्द है क्योंकि दो शब्द से मिलकर बना। इसी प्रकार यदि हम
पाठशाला कहें तो भी ये संधि की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है। यदि इसी प्रकार हम कहते हैं जैसे कि सौंदर्यता, जैसे आप हम कहते हैं सुंदरता, जैसे कि हम कहते हैं सुंदरता, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ उपसर्ग है, यहाँ संधि है और ये समास है। और अगर हम संधि की बात करें जैसे कि विद्यालय, तो विद्या धन आलय कहकर संधि की प्रक्रिया है। तो इस तरह उपसर्ग प्रत्यय संधि समास की प्रक्रिया से बनकर आए हुए शब्द जैसे दो खंड में बांटा जा सके वो यौगिक होंगे। इसलिए यहाँ यौगिक के उदाहरणों में चार ऑप्शन में से कोई आप ले सकते हैं। और रूढ़ वे शब्द होंगे जो स्वतंत्र सत्ता और पहचान रखकर किसी परंपरा से बंधे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का है, निम्न तत्सम का तद्भव रूप लिखिए। अब यहाँ पर जो तत्सम और तद्भव पूछा गया है ये शब्द विचार का दूसरा वाला हिस्सा यानी कि इतिहास के आधार पर है। ठीक है, रचना के आधार पर हम कहते हैं बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन क्रिएशन या बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, जिसमें हमारे लिए ट्रेडिशनल वर्ड्स, कंबाइंड वर्ड्स और ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स होते हैं, दैट मीन रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। दूसरा है इतिहास के आधार पर। ठीक है, इतिहास मतलब कि ये शब्द का इतिहास क्या है, ये आया कहाँ से, सो बेस्ड ऑन ओरिजिन कहें, इतिहास उद्गम स्रोत उद्भव और स्रोत के आधार पर इसके पांच होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर। दोज वर्ड्स विच वी टेक फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत फॉर यूज ऑफ आवर हिंदी, सो दैट मीन क्या, जो संस्कृत के संबंधित शब्द है जिसका हूबहू हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वो संस्कृत में है, तो संस्कृत रिलेटेड ऑल वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी दैट कॉल्ड तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव, तद मतलब उसके बाद, भव मतलब हुआ। संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण बगैर किसी अर्थ में परिवर्तन के सरल सटीक शब्द में प्रयोग किया जाना तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स तत्सम हैं और संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी या ऑल संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी दैट कॉल तद्भव। किसी लोक भाषाओं से लिया गया, लोक मान्यताओं परंपराओं से किसी देश की सीमा दायरे के भीतर से लिया गया जिसमें स्थानीय और देशज शब्द हो उसे लोकल लैंग्वेज वर्ड्स यानी कि देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ है हमारे लिए विदेशज। विदेशज की बात करें तो क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो भारत देश के बाहर से प्रभाव में आया है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, रूसी, जापानी, डच, यूनानी, यहाँ तक कि तुर्की, पश्तो, जिसमें लैटिन मतलब कि यूरोपियन लैंग्वेजेस यदि हम कहें जो हमारे साथ मिलने लगे तो यहाँ पर होते हैं हमारे लिए विदेशज, इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। लेकिन इन चार में से किसी दो को हम मिला दें और एक हाइब्रिड वर्ड बना दें तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। और इसी इतिहास के आधार पर के प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है निम्न का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि तत् का मतलब होता है उसी के, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, हमारी आर्य भाषा है संस्कृत, हमारी आर्य भाषा संस्कृत है और संस्कृत के शब्दों का हूबहू वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया जाना तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये थोड़े से क्लिष्ट होते हैं, ठीक है, और एक विशेष प्रभावी शब्द होते हैं, तो तत्सम शब्द है जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। हाँ, संस्कृत में अधिकांश तौर पर हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, परंतु हिंदी में यदि हम उस संस्कृत के शब्दों को लेते हैं तो हम कहीं कहीं ऐसा देखते हैं कि अधिकांशतः हम वहाँ से विसर्ग को हटा देते हैं। प्रश्न ने पूछा है निम्न तत्सम का तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, अब यदि हम कहते हैं कि तद्भव क्या होता है, ठीक है, तो तद का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है, और भव का मतलब होता है हुआ। तो संस्कृत के शब्द का प्रयोग उसी रूप में किया जाना तत्सम है और संस्कृत के शब्दों का रूपांतरण यदि हम कर देते हैं किसमें, हिंदी में, ठीक है, तो वह हमारे लिए तद्भव बन जाती है। प्रश्न ने क्या कहा है कि निम्न तत्सम का तद्भव रूप लिखिए, मतलब कि दिया हुआ है कुंभकार। ठीक है, अब इस कुंभकार को हम तद्भव में
कुम्हार कहते हैं, कुंभकार का तद्भव हुआ कुम्हार। दूसरा है कच्छप, ठीक है ना, कच्छप, इसे हम हिंदी में कछुआ कहते हैं, जो टॉर्टोइज है, ये पॉट मेकर हुआ, ये टॉर्टोइज हुआ, ठीक है। इसी तरह शैया, ठीक है, शैया जिस पर हम सोते हैं तो उसे तद्भव के तौर पर सेज कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह लास्ट वन दिया है चित्रकार, ठीक है, चित्रकार का तद्भव बनता है चितेरा, ठीक है, मतलब कि आपका जो ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, हम पेंटर कह सकते हैं, ठीक है। तो तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, बगैर किसी अर्थ में परिवर्तन किए उसका हिंदी रूपांतरण हमारे लिए तद्भव बन जाता है। तो कुम्हार का तद्भव है कुंभकार का तद्भव कुम्हार, कच्छप का तद्भव कछुआ, शैया का तद्भव सेज, और चित्रकार का तद्भव चितेरा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया है, निम्न तद्भव का तत्सम रूप लिखिए, निम्न तद्भव का तत्सम रूप लिखिए। अब यहाँ संस्कृत से हिंदी लिखना था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया कि इधर हिंदी होंगे जिसका आपको संस्कृत में उसका प्रयोग लिखना है कि निम्न तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं कि इसे क्वेश्चन प्री में कैसे आते हैं। प्री में एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे कि दशानंद शब्द की पहचान कीजिए, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो आपको पहचानना है कि वो योग रूढ़ है, ठीक है। कभी कभी डेफिनेशन दे देता है कि स्वतंत्र सत्ता रखने वाले शब्द जिसे दो खंड में बांटा नहीं जा सकता वो कहलाते हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो अब आपको ध्यान रखना है कि वो रूढ़ है, ठीक है। तत्सम तद्भव में कहता है निम्न शब्द का तत्सम रूप बताइए, या इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है या नहीं है, चंद्र का तद्भव बताइए, या कह सकता है चांद का तत्सम रूप पहचानिए, परंतु मेंस में वो स्पेशली लिखने के लिए देता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न तद्भव का तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तद्भव होते हैं हिंदी का शब्द और तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, यहां दिया है बड़, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बड़ जो एक पर्यायवाची है बरगद का, ठीक है, बरगद जो पर्यायवाची है वट वृक्ष का, इसलिए बड़ का तद्भव से तत्सम हो जाएगा हमारे लिए वट, ठीक है। दूसरा दिया है सुहाग, सुहाग का तत्सम शब्द होता है सौभाग्य, ठीक है। नेक्स्ट वन दिया हुआ है कंधा, ठीक है, कंधा बॉडी पार्ट्स में अगर हम बात करें तो कंधा जो इंग्लिश में शोल्डर है, संस्कृत में यानी कि तत्सम में ये स्कंध कहलाता है, ठीक है ना, ये स्कंध कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें दिया हुआ है मड़ुआ, ठीक है, मड़ुआ जो शादी के समय लगाया जाता है, इसका तत्सम शब्द है मंडप, ठीक है। तो बड़ तद्भव है, वट तत्सम है, सुहाग तद्भव है जिसका तत्सम सौभाग्य है, कंधा का तत्सम स्कंद है, और मड़ुआ का तत्सम मंडप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दो देशज तथा दो विदेशज शब्द लिखिए। मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी लोक भाषाओं राज्य की सीमा दायरे के भीतर प्रयोग होने वाला स्थानीय बोलचाल से लिए गए जो लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उसे देशज शब्द कहा जाता है, और भारत राज्य की सीमा दायरे से बाहर से आए हुए ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हैं, यानी कि मुगल शासक के आने से मुगल शब्द हुए और ब्रिटिश हुकूमत के आने से अंग्रेजी शब्दों के प्रभाव के साथ, जब हम उनसे व्यापार विनिमय के लिए या उनके यहाँ पर प्रभावी तौर पर उनके आने से हमारे वहाँ जाकर घूमकर वहाँ के शब्दों को लाने से जो भारतवर्ष में देश के बाहर से आया, इसलिए उसे विदेशज या आगत कहते हैं। देशज मतलब लोक भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे कि देखा
है तो कबड्डी हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कबड्डी कहा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्या कि आपको किसी राज्य के अंदर के बारे में लिखना है, आपने सिर्फ ये कहा है कि देशज लिखिए। तो भारत देश के अंदर से हम कुछ भी ले सकते हैं। ये देशज कभी कभी साउंड इफेक्ट पर भी बनते हैं, जैसे गड़गड़, फटफट, भटभट, धक धक, कुड़कुड़, चिड़चिड़, है ना, तड़ातड़, रटारट, दनादन, भका भक, ये सारे देशज शब्द होते हैं। तो कबड्डी कह सकते हैं, थैला या झोला कह सकते हैं, डिबरी कह सकते हैं, ठीक है, चिमनी कह सकते हैं, ठीक है, ये देखा जाए तो हमारे लिए देशज शब्द होते हैं, जैसे लात, टांग, पेट, ठीक है, इसी प्रकार गेबड़ी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी तो भाटा, मुरई, डोड़का, रमकेरिया, ये सब हमारे लिए देशज शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब हम विदेशज की बात करें तो विदेशज में आपको उतना डीपली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको याद करने का एक तरीका होता है। विदेशज शब्द से और देशज शब्द से प्रश्न पत्र में कैसे पूछा जाता है प्री में, कह सकता है कि कबड्डी शब्द की पहचान कीजिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है, या कह सकता है पलक शब्द की पहचान कीजिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज। इस सिचुएशन में पलक विदेशज है और कबड्डी जो है वो देशज है। लेकिन अब अगर आपको कहता है आदमी शब्द किस प्रकार का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तब ख्याल रखिएगा कि वो अरबी शब्द है, ठीक है। अब यहाँ मेंस में आपको क्या पूछेगा, दो देशज या दो विदेशज लिखिए। तो देशज में मैंने आपको चार बता दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोक भाषाओं से संबंधित प्रश्न देशज होते हैं। विदेशज मतलब बाहर राज्य से आए, यदि हम कहते हैं दिल, यदि हम कहते हैं दिमाग, ठीक है, यदि हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दिल दिमाग, यदि हम कहते हैं बीमार, ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम कहते हैं चाय, ठीक है, इसी प्रकार पटाखा, ये सब हमारे लिए विदेशज शब्द, मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि हाँ, सिंपली तौर पर अगर कहा जाता है कि दिल कैसा शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये हमारे लिए विदेशज है। लेकिन फिर अगर ये पूछ देता है कि अरबी है, फारसी, पुर्तगाली, तो ख्याल रखिएगा, तो इसको याद करने का एक तरीका होता है कि हिंदी के शब्द से उसकी तुलना की जाए, कि हमारे पास होता है हृदय, दिल उनके पास होते हैं, हम खाते हैं औषधि, वो दवा खाते हैं, हम चिकित्सालय जाते हैं, वो दवा खाने जाते हैं, हमारा विवाह होता है, वो शादी करते हैं, हम आसरा देते हैं क्योंकि हमारे पास आश्रम होता है, वो सहारा देते हैं इसलिए उनके पास सराय होता है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास मस्तिष्क है, वो दिमाग लड़ाते हैं, ठीक है, हमारा संबंध विच्छेद होता है और वो तलाक देते हैं, तन की ख्वाहिश को पूरा करता है तनख्वाह, वो जो तन की ख्वाहिशों के लिए पूरा किया जाए वो वेतन पड़ता है, जो दिन प्रतिदिन अपने आप तन को गारता जाता है वो पगार कहलाती है जब उसे अंत में मिलता है। तो इसको याद करने का एक तरीका विशेष है, तो वहाँ तुलना करके इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यदि हम कहते हैं न्याय का आलय है, तभी तो न्यायालय है, जहाँ बहसबाजी होती है उसे कचहरी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो होते हैं शब्द, उन शब्दों से, हिंदी के शब्दों से अगर हम अरबी, फारसी, पुर्तगाली तत्वों की तुलना करके पढ़ें तो थोड़ा सा उसे याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, संकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझेंगे कि संकर का मतलब होता है हाइब्रिड वर्ड्स, ठीक है, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड वर्ड्स, मतलब कि मिलावट। जब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन चार में से हम किसी दो शब्द को लेकर एक नया शब्द बनाते हैं तब वह संकर शब्द बनता है। संकर का मतलब मिलावट है, अर्थात दो भिन्न शब्द स्त्रोत से मिलकर बने हुए शब्द, कि दो भिन्न स्त्रोत शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द या दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनाए हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं बीमा, पॉलिसी। अब देखा जाए तो बीमा उर्दू शब्द है, पॉलिसी अंग्रेजी शब्द है। फॉर एग्जाम्पल वर्ष गांठ कहा तो वर्ष तत्सम है और गांठ तद्भव है, ठीक है। जैसे कि रेडियो तरंग,
रेडियो अंग्रेजी शब्द है और तरंग जो है हमारे लिए तत्सम शब्द है, ठीक है। इसी तरह लाठी चार्ज, ऑपरेशन कक्ष, माल गोदाम, घड़ी साज, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर परीक्षा बोर्ड, काला बाजार कह सकते हैं, अफसर शाही कह सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ जब हम संकर शब्द बनाते हैं तो कुछ प्रत्यय और उपसर्गों का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कभी एक शब्द ले जैसे बेगैरत, अगर हम कहें तो बे अरबी का उपसर्ग है और गैरत जो है वो फारसी शब्द है, ठीक है। और इस तरह दो भिन्न स्त्रोत के शब्दों को मिलाकर जब हम उसे एक नया शब्द बनाते हैं तब वह हमारे लिए संकर शब्द कहलाता है। जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन चार में से कोई दो को चुनकर बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दो दिया हुआ है प्रश्न। इस क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रश्न कहता है निम्न के विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, जो इंग्लिश में केवल एक ही नाम है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। परंतु हिंदी में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग नाम से पुकारने के लिए यहाँ हम क्या बोलते हैं कि गुण, स्वभाव, धर्म, प्रकृति और प्रवृत्ति से एक ऐसा शब्द जो अपने नाम के ठीक विपरीत हो, विपरीतार्थक शब्द, विरुद्ध पक्ष हो, विरुद्धार्थी शब्द, उल्टा अर्थ प्रस्तुत करता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं विपरीत लिंग और विपरीत शब्द के माध्यम से, जैसे सुबह शाम, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, आना जाना, उठना बैठना, राजा रानी, काका काकी, भाई बहन, दीदी जीजा, ये अपोजिट जेंडर और अपोजिट वर्ड्स पहले से निर्धारित होते हैं, ठीक है। इसकी एक शर्त होती है कि जिस तरह का प्रश्न पूछा जाए वैसा इसका जवाब लिखा जाना जरूरी है। साधारण बोलचाल के शब्द हैं तो जवाब भी साधारण होंगे, लेकिन क्लिष्ट या विशेष तौर पर तत्सम प्रभावी है तो जवाब भी वैसे होंगे। जैसे कि नया है तो पुराना, नवीन है तो प्राचीन, और नूतन है तो पुरातन, ठीक है। और इसी तरह आना है तो जाना, लेकिन आगमन है तो निगमन, अंतर्गमन है तो बहिर्गमन, अंधेरा है तो उजाला, लेकिन ज्योति है तो तिमिस्त्र, ठीक है। ज्योति है तो तम कह सकते हैं और अंधकार है तो प्रकाश कहेंगे। सवाल है तो जवाब और प्रश्न है तो उत्तर। ऊंचा है तो नीचा है ना, लेकिन ऊपरी कहेगा तो हम अधः ही कहेंगे। सूर्य है तो चंद्र, लेकिन सूरज है तो चांद कहेंगे। यहाँ प्रश्न दिया है निम्न के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 में दिया है थोक। एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें तादाद में मिलती हैं उसे थोक कहते हैं। जैसे कि आप कपड़ा लेने जाएं या किसी बिजनेस को करने वाला व्यापारी जो थोक सामान बेचता है, जो सीधा पूरी वैरायटी एक साथ दे देता है, तो वह थोक कहलाता है, जिसे हम थोक व्यापारी कहते हैं। लेकिन एक ऐसी दुकान हमारे गली मोहल्ले में होती है जो चिल्लर में चीज़ें देता है, तो हम थोक का चिल्लर नहीं कह सकते, थोक का विलोम होता है परचून। इसलिए बचपन में सुना होगा परचून की दुकान से जा धनिया लेके आना, या परचून की दुकान से मेथी लेके आना, या जो भी वो हम मंगाते हैं, तो थोक का बनता है परचून, ठीक है। थोक का विलोम हो जाता है परचून। दूसरा दिया है आलस्य। आलस्य तत्सम शब्द है, ठीक है ना। आलस्य तत्सम शब्द है तो इसका जवाब हमें तत्सम प्रभावी देना होगा। तो आलस्य का विपरीत होगा हमारे लिए स्फूर्ति, मतलब कि ताजगी, ठीक है। फिर दिया है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी से संबंधित, अब इसका अपोजिट हो जाएगा ऊपर, तो भूगोल का हो जाएगा विलोम खगोल, ठीक है। फिर दिया है गौरव, ठीक है ना। गौरव, गौरव मतलब गर्व की बात, जहाँ बड़प्पन है तो उसका अपोजिट हो जाएगा छोटा, इसलिए गौरव का बन जाएगा अपोजिट लाघव, ठीक है। तो विलोम शब्द है थोक का विलोम परचून, आलस्य का विलोम स्फूर्ति, भूगोल का विलोम खगोल और गौरव का विलोम लाघव। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 है।
इसी क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 2 दिया है, विलोम शब्द बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विलोम शब्द बनाने के लिए कभी कभी उपसर्गों का और कभी कभी प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, कुछ जेंडर जो है पहले से डिसाइडेड, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, मामा मामी, काका काकी, कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, ये पहले से निर्धारित है। लेकिन कभी कभी अपोजिट जेंडर बनाने के लिए हम फेमिनाइन सफिक्स मतलब कि स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ईका, आनी, आइन, ठीक है, आ लगाते हैं, तो वो विपरीतार्थक लिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुण विशेष में बनाने के लिए वो ऐसे प्रत्यय जो पुरुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए विलोम शब्द बन जाते, जैसे गुणवान है तो गुणवती, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, यदि वो हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अध्यापक है तो अध्यापिका, प्राचार्य है तो प्राचार्य, गायक है तो गायिका, और प्रिय है तो प्रिया, और प्रियतम है तो प्रियतमा, और सूर्य है तो सूर्या, कृष्ण है तो कृष्णा, ठीक है, पंडित है तो पंडिता, मतलब अपोजिट जेंडर बनाने के लिए कभी कभी विपरीत लिंग बनाने हेतु, जब कभी कभी विपरीत लिंग बनाने हेतु हम यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है कि विपरीत लिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन विलोम शब्द बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम उपसर्ग का इस्तेमाल के माध्यम से भी विलोम शब्द बनाते हैं। और ये उपसर्ग क्या होंगे, नेगेटिव प्रीफिक्स होगा, मतलब कि ये उपसर्ग नकारात्मक होंगे, हिंदी के भी हो सकते हैं और अरबी या फारसी के भी नकारात्मक उपसर्ग इस्तेमाल किए जा सके। क्वेश्चन ने क्या कहा है, विलोम शब्द बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, विलोम शब्द बनाने हेतु नकारात्मक उपसर्ग तथा स्त्रीलिंग में बदलने हेतु विलोम बनाने के लिए विपरीत लिंग के लिए स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अब नकारात्मक प्रीफिक्स की बात करते हैं, जैसे कि पसंद है जो हमारे लिए एक शब्द है, अगर हम इसे उपसर्ग के माध्यम से कहेंगे तो हम यहाँ ना उपसर्ग लगाएंगे और एग्जाम्पल में पसंद का विलोम बन जाएगा ना पसंद, जान है तो अनजान या बेजान बनेगा, सरकारी है तो असरकारी या गैर सरकारी बनेगा, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं परिचित तो अपरिचित बनेगा, गमन है तो आ कहकर आगमन बनेगा, अर्थात उपसर्गों के माध्यम से भी विपरीत लिंग बनाए जा सकते हैं, जहाँ अधिकांश तौर पर विलोम बनाने के लिए नकारात्मक उपसर्गों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, और यदि लिंग में विपरीत बनाना है तो विपरीत लिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, ईका, आनी, आइन, ठीक है, ऐसे प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से विलोम शब्द जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ से जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो अर्थ के आधार पर प्रश्न है। ये अर्थ के आधार पर क्या हुआ, वो शब्द जिसे हमने बनाया, रचना इतिहास के आधार पर वो शब्द जिसमें हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द अपने अर्थ को बता देते हैं, तो ऐसा आधार अर्थ के आधार पर कहलाता है। माने कि जो स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला शब्द है, जिसे दो खंड में बांटा नहीं जा सकता, रूढ़ हो, या दो शब्द से मिलकर बना हुआ संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बना हुआ यौगिक जो आसानी से दो खंड में बांटे जा सके, या यौगिक की तरह दो शब्द से मिलकर बना हो परंतु परंपरा विशेष से रूढ़ हो, योग रूढ़ हो जाए, या संस्कृत के शब्द तत्सम, उसका रूपांतर तद्भव, या उसका किसी देश के अंदर की सीमा दायरे से लिया हुआ देशज और भारत के बाहर से आया विदेशज और चार में से किसी दो भिन्न शब्द के स्रोत को लेकर बनाया हुआ संकर शब्द हो, तो वहाँ हमारे लिए इतिहास के आधार पर शब्द बनता है। और लेकिन रचना और इतिहास के आधार पर जो शब्द हैं, यदि हम उसको सुनते हैं या हम उसको समझते हैं और अगर वो अपना अर्थ बता देता है तो वो आधार अर्थ के आधार पर बन जाता है। जैसे कि भवन कहा तो उसका अर्थ है कि रूढ़ होकर वो एक बहुत विशाल घर के संबोधित करता है, यदि वो
पाठशाला कहते हैं तो जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसका संबोधन करता है, और इसी तरह यदि हम कहते हैं दशानन तो वो संबोधन योगरूढ़ को कहता है। तो चंद्र कहकर हो गया तत्सम, चांद कहकर हो गया तद्भव, चंदा कहकर देशज और मून कहकर विदेशज हो गया। और इसी तरह यदि वो एग्जाम्पल में कहता है परीक्षा बोर्ड तो हाइब्रिड वर्ड्स हो गया। और इन्हीं में से ऐसे शब्द जो अपने नाम के ठीक विपरीत हो, विरुद्ध अर्थ को बताते हैं, उसे विलोम शब्द कहा जाता है। कि गुण स्वभाव धर्म प्रकृति से ऐसा शब्द जो अपने नाम के बिल्कुल अलग हो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जिसके दो क्वेश्चन थे आपके, विलोम शब्द में परिवर्तन कीजिए और विलोम शब्द बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इन सबको और अंदरूनी तरीके से अगर आपको जानना है तो हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा जो मोबाइल कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको हर विषय के अंतर्गत जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से डील किया गया है। तो हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप कोशिश करें कि मोबाइल कोर्स को आप यूज़ करें, ताकि जितने भी व्याकरण की चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बिल्कुल एक समराइज तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाना इसमें संभव नहीं है। लेकिन अगर आप इसे और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल कोर्स में जाएं और वहां से मोबाइल कोर्स के माध्यम से कहीं हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जो मैं आगे आपको डील करूंगी, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए मोबाइल कोर्स में जाकर आप ज़रूर उसको यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन जो है वो किया गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर एक होता है विलोम और दूसरा आ गया यहाँ पर पर्यायवाची। ठीक है, अब पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्याय का मतलब होता है विकल्प। ठीक है ना, पर्याय का मतलब होता है विकल्प। विकल्प कहाँ होंगे? जब चीज़ें हमारे पास तादाद में होंगी। ठीक है ना, वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड्स मीनिंग ओनली वन, कि एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे नाम हो विकल्प के तौर पर, परंतु यदि वो सारे शब्द का समूह एक ही अर्थ को संबोधित करता है तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो समानार्थी शब्द होते हैं, जब हम बचपन में किसी लेसन को पढ़ते हैं उसके पीछे वर्ड मीनिंग लिखा होता है, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची ही तो होते हैं। पर पर्यायवाची में समानार्थी में अंतर है। क्या अंतर है? कि समानार्थी कहीं ना कहीं तत्सम का तद्भव परिवर्तन है। कैसे? कि चंद्र का हम समानार्थी लिखते हैं चांद, ठीक है, जनक का हम लिखते हैं पिता, पुत्र का हम लिखते हैं बेटा, और वृक्ष का हम लिखते हैं पेड़। और कहीं ना कहीं वृक्ष और पेड़ पर्यायवाची हैं, जनक और पिता पर्यायवाची हैं। तो तत्सम से तद्भव परिवर्तन हमारे लिए एक समानार्थी शब्द को बनाता है। लेकिन समानार्थी की खासियत है कि समानार्थी में यदि हम केवल एक मेंशन करें तो काफ़ी है। लेकिन पर्याय का मतलब होता है चूंकि विकल्प, पर्याय का मतलब होता है विकल्प, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके विकल्प के तौर पर बहुत सारे नाम हैं, परंतु हम सारे नामों को जानकर भी एक ही अर्थ की ओर इशारा करता है। तो एक ऐसा शब्द जिसके एक अर्थ हो परंतु उसके विकल्प के तौर पर बहुत सारे नाम हो, वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड मीनिंग इज ओनली वन, दैट कॉल्ड पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्याय के दो प्रकार होते हैं, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो हर जगह उसके बदले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, पेड़, वृक्ष, पादप, ठीक है ना, रुख, दरख्त, ये हर जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये पूर्ण पर्याय होगा। लेकिन कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन्हें अपूर्ण पर्याय कहा जाता है। जैसे लटकाना, अटकाना, अरझाना, फंसाना, टांगना। अब हम अगर किसी को कहें कि मुँह लटकाए क्यों बैठे हो, तो हम मुँह अटकाए क्यों बैठे हो, मुँह अरझाए क्यों बैठे हो, मुँह फंसाए क्यों बैठे हो, मुहारा मुँह टंगा हुआ है क्या, नहीं बोल सकते। तो ऐसा पर्याय जो हर जगह इस्तेमाल ना हो अपूर्ण पर्याय कहलाता है। और अपूर्ण पर्याय से ही युग्म शब्द बनते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। और ये सारी चीज़ें भी आपको मोबाइल कोर्स में दी गई हैं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो के अलावा, इस जो डिस्कशन कम्युनिटी के जो आप पेपर दे रहे हैं उसके अलावा आप मोबाइल कोर्स में भी जाएं और वहाँ से चीज़ों को बहुत डीपली वे में समझने की कोशिश करें। अब यहाँ दिया है पर्याय।
कभी कभी ऐसा होता है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए कह देता है, लेकिन मेंशन नहीं करता है कि कितना लिखना है। 2 साल पहले उसने 4 पर्यायवाची लिखने बोल दिया था, लेकिन लास्ट ईयर उसने केवल 2 लिखने बोला था। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि निम्न के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब कि किसी भी हालात में कम से कम 2 लिखा जाना ज़रूरी है। यदि आपके द्वारा केवल 1 ही पर्याय लिख दिया गया तो वह पर्यायवाची से समानार्थी में बदलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता, और 2 नंबर का पर्यायवाची आपके वहीं से नंबर को कटवाने में काबिल हो जाता है। ठीक है, अगली बात कि पर्यायवाची में जहाँ 2 लिखना है, यदि आपने कोशिश की 3 लिखने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहला और दूसरा सही हो, क्योंकि नंबर पहले और दूसरे पर ही आपको दिए जाएंगे। अगर गलती से पहला गलत है, तीसरा सही भी है, तो वो स्कूल होता है जहाँ टीचर आपसे सिंपथी जता के बच्चे ने कोशिश तो की है यह सोच के नंबर देता है, पर चूंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है इसलिए कोशिश करें कि वो 2 सटीक और सही जवाब लिखें जिस पर आप पूरी तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए जिसमें दिया है धरती। ठीक है, अब यहाँ मेंशन किया है क्या, इसमें दिया है निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखे, मतलब इसमें मेंशन नहीं है कि कितना लिखना है। अब आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो पर्याय का मतलब होता है विकल्प, शब्द समूहों का एक ऐसा समूह होता है जहाँ सारे शब्द केवल एक ही अर्थ को संबोधित करते हैं। विकल्प के तौर पर यदि हम वहाँ से 2 या 3 नाम को चुन लेते हैं तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ आप कम से कम 2 ज़रूर मेंशन करें, तीसरा तभी लिखें जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, तो धरती को हम ज़मीन कह सकते हैं, ठीक है, धरती को हम ज़मीन कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, या तो हम इसे वसुंधरा कह सकते हैं, क्योंकि धरती जो है वो पृथ्वी का खुद एक पर्यायवाची शब्द है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी से उन्हीं टिपिकल वर्ड्स को लेकर बनाया जाए, कभी कभी पर्यायवाची के अंदर के पर्यायवाची शब्द से भी पर्यायवाची लिखने के लिए दिया जाता है। और मेंस के अलावा अगर हम प्री में बात करें तो कह सकता है शशि किसका पर्यायवाची शब्द है, निम्न में से भिन्न पर्यायवाची शब्द को बताइए, मतलब 5-4 ऑप्शन में से 3 एक ही के पर्याय होंगे, 1 डिफरेंट वन होगा, लेकिन मेंस में सिर्फ आपको कहेगा निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कोशिश करें कि 2 ज़रूर मेंशन करें, तीसरा तभी लिखें जब आप कॉन्फिडेंट हो, और अगली बार कि अगर वो मेंशन कर देता है कि निम्न के 2-2 पर्यायवाची लिखें तो तीसरा लिखने की गलती भी मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है जल, जल का पर्यायवाची हम कहते हैं तो नीर है, ठीक है, पानी है, ठीक है, इसी तरह से अंबू है। ठीक है, जल का अगला दिया हुआ है गणपति, ठीक है, गणपति, गणपति लंबोदर भी है, ठीक है, गजानन भी है, ठीक है, और विघ्नहर्ता भी है। ठीक है, गणपति गजानन भी है और विघ्नहर्ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है वृक्ष, ठीक है, तो वृक्ष को हम पेड़ कहते हैं, दरख्त कहते हैं, ठीक है ना, वृक्ष को हम पेड़ कहते हैं, दरख्त कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, वृक्ष से बना रुख, और इसी प्रकार हम इसे पादप भी कहते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची को याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, पर्यायवाची हमको याद नहीं होता, बड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती, जैसे कि जल, जल से संबंधित बादल है, जल से संबंधित कमल है, जल से संबंधित समुद्र है। ठीक है ना, अब यानी यदि आपने जल का पर्याय याद कर लिया, जैसे नीर, वारी, अंबू है ना, अब अगर हम उसमें द लगा दें, नीरद, वारिद, अम्बुद, पयोद, तो द लगा देने से वह हमारे लिए बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, अब अगर वो उसमें हम धी लगा दें, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तब वो समुद्र बन जाता है, और अगर ज लगा दें, जलज, नीरज, पंकज, वारिज, तब वो हमारे लिए कमल का पर्यायवाची बनता है। वैसे कि वक्र है तुंड जिसका, लंबा है उधर जिसका, गज के समान आनन है जिसका, विघ्न को हरता है जो, गौरी का पुत्र है जो, शिव को प्रिय है जो,
मोदक प्रिय है जिसे मूषक जिसका वाहन है, ऐसा कर्म करेंगे तो गणपति का पर्यायवाची बनेगा। वीणा जो धारण करती हैं, श्वेत वस्त्र हैं, जिनके श्वेत पद्म पर आसन होती हैं, ठीक है, जो ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि जो प्रदान करती हैं, ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं इसको जो वीणा बजाती है, जिसके हाथ में वीणा है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, ये सब हमारे लिए सरस्वती के पर्यायवाची बनेंगे। तो पर्यायवाची के कुछ प्रकार होते हैं, प्रकृति परिवार है, पशु पक्षी परिवार और प्रकृति परिवार एक ही कैटेगरी में आते हैं। कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए दैनिक दिनचर्या के होते हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्याय का मतलब होता है विकल्प, कि एक बहुत सारे शब्दों का समूह जो किसी एक अर्थ की ओर इशारा करता है, जहाँ से आवश्यकता के अनुसार विकल्प के तौर पर हम एक ही अर्थ को संबोधित करने वाले शब्दों का चयन करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद बताइए। ठीक है, समोच्चारित, सम उच्चारित, एक समान उच्चारण होने वाला। ठीक है, देखिए जब हमारे उच्चारण में ही गलती हो जाती है तो उच्चारण की गलती से वर्तनी प्रभावित होती है, और वर्तनी के प्रभाव से शब्द के अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। वर्तनी की अशुद्धि से एक समान उच्चारित होने वाला शब्द समोच्चारित कहलाता है, एक ही तरह सुनाई देने की वजह से समश्रुत कहलाता है, एक ही रूप के नज़र आकर समरूपी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं और अर्थ को जानते हैं तब उसे भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, और ये मेंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर बार इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। और ये क्या होते हैं, प्रश्न क्या पूछा है, इसकी हम करते हैं आगे चर्चा। इस टॉपिक से प्री में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद बताइए। फॉर एग्जाम्पल एक दे देता है, मान लीजिए कि सूची, और इधर दे देता है सूची, ठीक है, ऑप्शन दे देता है सुई, और इधर दे देता है तालिका, ऑप्शन बी दे देता है तालिका, और इधर दे देता है सुई। ठीक है, तो प्री में आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि किसका अर्थ सुनिश्चित है, इसका मतलब होता है सुई और इसका मतलब होती है तालिका। अब यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ सूची के नीचे जो सुई लिखा है वही सही है, और इस सूची के बदले जो तालिका लिखा वही सही। गलती से अगर आपने इसमें निशान लगा दिया तो आप जानते हैं कि एक सूची का मतलब सुई है और दूसरे सूची का मतलब तालिका है, जानकर भी इस गलती से आपके नंबर जा सकते हैं। लेकिन मेंस में वो स्पेशली दो तरह से इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। यहाँ आपको पूछा गया है कि निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद बताइए, मानने की आपको सिर्फ उसके अर्थ भेद को स्पष्ट करना है। इसी से दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रयोग करके उसे समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है। परंतु यहाँ आपको सिर्फ अर्थ भेद पूछा है, जिसमें दिया हुआ है अनल और दिया है अनिल। ठीक है, तो ऑप्शन वन है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है नीर और दिया है नीड़। आप चाहे तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं या आप चाहे तो आजू बाजू लिख सकते हैं। अगर जगह है वहाँ पर केवल दो लाइन ही है तो आजू बाजू लिखा जा सकता है कॉमा लगाकर। तो नीर का मतलब होता है जल और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है, दिया है रोचक और रेचक। रोचक का मतलब होता है अच्छा, आनंदित या रहस्यमयी। ठीक है, रोचक का मतलब हम कह सकते हैं कि आनंदित करने वाला कह सकते हैं, या जो हमें अच्छा लगता है। और रेचक का मतलब होता है कब्ज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर हम कह सकते हैं, तो कब्जियत जो होती है उसे रेचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है, ग्रह और दिया हुआ है गृह। ठीक है, वर्तनी के अनुसार ये र और ये री आरिफ वर्ण है, लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चे इस र को भी इसकी तरह लिखते हैं। आपको पता है ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं,
किसी भी कंप्लीट कॉन्सोनेंट के बीच में यदि शॉर्ट पीरियड के लिए आता है तो ये एक टोपी है जो अपने कंप्लीट लेटर के ऊपर बन जाती है तो ये धर्म कहलाएगा। लेकिन यदि किसी कंप्लीट कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि एक अधूरे व्यंजन के बाद एक हलंत वाला र है, इस सिचुएशन में जो खड़ी पाई होगी उस खड़ी पाई के लेफ्ट साइड राइटर के मुड़ जाएगा तो वो हमारे लिए आरएफ वर्ण बनेगा। तो आरएफ वर्ण में और हलंत में एक ही अंतर होता है, किसी वर्णाक्षर के नीचे राइटर के राइट हैंड साइड मुड़ा मतलब कि वो हलंत है, लेकिन यदि खड़ी पाई में अगर वो जुड़ गया लेफ्ट साइड में तो वो आरएफ वर्ण होता है। तो ये ग्रह है और ये किसी भी वर्णाक्षर के नीचे उल्टी टोपी है जैसे कि तब ये ऋषि का री है। इसलिए जब आप प्रयोग लिखें तो इस तरह लिखें क्योंकि अगर घुमा के थोड़ा सा आपने किया तो ये प्र है और ये प्री है। और वही परिवर्तन यहाँ पर हुआ कि ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर, मतलब कि एक छोटी सी मात्रात्मक त्रुटि शब्द के अर्थ को बदल सकती है। जैसे कि हम जरा कहें और हम जरा कहें, ठीक है, तो जरा होती है बुढ़ापा और जरा होता है तनिक यानी कि थोड़ा सा। इसी के अलावा यदि हम बात कर रहे हैं प्रमाण और प्रणाम तो प्रमाण है साक्ष्य और प्रणाम होता है नमस्कार का भाव, ठीक है। प्रसाद भगवान का भोग है और प्रासाद बोले तो महल के भीतर का हिस्सा है। इसी तरह शर और सर, यदि हमारे उच्चारण में तीनों प्रकार के श का एक ही उच्चारण है तो शर और सर कहते हैं। अगर आप इसे सर कहेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा क्योंकि यह बाण है और यह हमारे लिए सरोवर यानी कि तालाब है, ठीक है। तो उच्चारण की गलती से एक समान उच्चारण होने वाला जो लेखन के प्रक्रिया में अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं समोच्चारित शब्द। लास्ट वन क्वेश्चन दिया है, निम्न युग्म शब्द का अर्थ भेद वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब ये युग्म शब्द क्या होते हैं, थोड़े ही समय पहले मैंने आपको एक बात बताई थी पर्यायवाची के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो पर्यायवाची के प्रकार में एक होता है पूर्ण पर्याय और एक होता है अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय मतलब एक ऐसा पर्यायवाची शब्द जो हर जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्यायवाची होकर भी थोड़ा सा अंतर रखते हैं और ऐसे शब्द कहलाते हैं युग्म शब्द। समानार्थी प्रस्तुत होते हुए भी पर्यायवाची शब्द होकर भी अगर उन शब्दों के मध्य ज़रा सा अंतर होते हैं तो ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें अस्त्र शस्त्र तो सारे हथियार हैं, पूजा अर्चना भक्ति कहें तो सब पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अंतर होता है। और ये टॉपिक स्पेशली केवल मेंस में ही आता है, प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो निम्न युग्म शब्द का अर्थ भेद वाक्य प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करना है, मतलब कि अर्थ भेद बताना है लेकिन वाक्य प्रयोग के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल कोर्स में आपको समझाई गई हैं और कोशिश कीजिए कि मोबाइल कोर्स में जाएं वहां से लें और ये व्याकरण की बारीकियों को वहां से सीखने की कोशिश करें। तो प्रश्न ने क्या कहा, पहला दिया ऑप्शन अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। आप चाहें तो इसका वाक्य प्रयोग दो अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों हथियार हैं, है ना, जिसे हम कह सकते हैं युद्ध में बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र के प्रयोग किए जाते हैं, इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अस्त्र वे हथियार होते हैं जो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं जैसे कि भाला, लेकिन शस्त्र वे हथियार होते हैं जो हाथ से पकड़ कर चलाए जैसे कि गदा और तलवार, ठीक है। तो युद्ध में बड़े पैमाने पर अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग किए जाते थे जिनमें भाला जैसा अस्त्र और तलवार जैसे शस्त्र भी अपने प्रधानता रखते थे, या इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है अर्पण और प्रदान। अगर हम देना की बात करें, ठीक है ना, अगर हम किसी चीज़ को देने की बात करें तो सारे शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, कि यदि हम किसी वस्तु को बड़ों को देते हैं, अपने से बड़ों को यदि हम कोई वस्तु देते हैं तब हम उन्हें अर्पण करते हैं, लेकिन अगर हम अपने से छोटों को कोई वस्तु देते हैं तब हम उसे प्रदान करते हैं।
किसी योग्यता पर अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वह उसके लिए पुरस्कार बन जाता है, किसी की खुशी के लिए अगर दिया जाए तो उसे हम उपहार कहते हैं, और किसी को स्मृति के तौर पर दिया जाए तो स्मृति चिन्ह कहते हैं, और किसी को याद के तौर पर दिया जाए, मिलने पर किसी सम्मानीय व्यक्ति को दिया जाए तो वह भेंट बन जाता है। लेकिन अपने से बड़ों को कोई वस्तु देना अर्पण, और अपने से छोटों को कोई वस्तु देना प्रदान कहलाता है। और वाक्य प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है, मंदिर में मैंने देवता को जल अर्पण किया, ठीक है, मैंने अपने छोटे बच्चों को यह पुस्तक प्रदान की, ठीक है। क्वेश्चन में अपना अगला दिया हुआ है मृत्यु और निधन, ठीक है, ये मौत काल का एक पर्यायवाची शब्द है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति का देहावसान मृत्यु कहलाता है, किसी सम्मानीय या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु निधन कहलाती है। ध्यान से समझेंगे, किसी भी सामान्य जनसाधारण व्यक्ति का देह का त्याग कर देना मृत्यु है, लेकिन किसी विशिष्ट या सम्मानीय या नामचीन व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह निधन कहलाता है। इसलिए आपने देखा होगा महात्मा गांधी का निधन ये लिखा होता है, लेकिन मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई हमारे द्वारा ये कहा जाता है, ठीक है। अगला दिया है पूजा और अर्चना, ठीक है, फोर्थ वन है पूजा अर्चना। आध्यात्म से संबंधित यदि हम सेवा भक्ति भावना कहते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। भगवान के सामने बिना किसी सामग्री के हाथ जोड़कर खड़े हो जाए तो वह भाव पूजा कहलाती है, लेकिन धूप दीप नैवेद्य दान दक्षिणा के द्वारा यदि उसके समक्ष हम खड़े होते हैं तब वह हमारे लिए अर्चना कहलाती है। मैंने मंदिर में पूजा की, मतलब साधारण से सामान्य से आपकी आराधना थी, लेकिन मैंने मंदिर में अर्चना करवाई कहते हैं तब आपके पूरे सामग्री के साथ हुआ। और इस तरह अपूर्ण पर्यायवाची वाले शब्द जिसमें थोड़े से अंतर होते हैं, तो समानार्थी और पर्यायवाची वाले ऐसे शब्द जिनके अंदर जरा सा फर्क हो जाता है प्रभाव और परिवेश के अनुसार, तो ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में 7 तारीख को पूछे गए प्रश्न जिसमें शब्द विचार में रचना इतिहास अर्थ के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए थे मेरे द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया गया है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे मोबाइल कोर्स में जाइए और वहाँ जाकर आप इन चीज़ों को बहुत अंदरूनी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब आने वाले वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर चलेंगे और नए टॉपिक के आधार पर आपको क्या पूछा जाएगा ये मैं बता दूं कि अगले वीडियो में आपको वन वर्ड आंसर, सेंटेंस क्लेरिफिकेशन, सफिक्स प्रीफिक्स और इडियम प्रोवर्ब्स मतलब कि वाक्यांशों का एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण, उपसर्ग प्रत्यय और मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको 8 तारीख के प्रश्न में दिए जाएंगे और उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ तक हमारे वीडियोज़ में जो होंगे वो व्याकरण जो है वो अधिकांश तौर पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहें, कीप राइटिंग कीप ट्राइंग, कि आप कोशिश करें कि गलतियों को सुधारें। ये जो हिस्से जो चल रहे हैं ये अधिकांश तौर पर याद करने वाले पक्ष हैं, इसलिए कोशिश करें कि इन्हें याद करें, धीरे धीरे ही सही पर याद करने का प्रयास करें। छोटी छोटी से गलतियों से सीखने को मिलता है, इसलिए प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। पर डे एक वर्ड पजल भरें, एक डिक्टेशन का सेक्शन रखें और लेखन प्रक्रिया पर ध्यान रखें, तो मैं दावे से कह सकती हूँ बच्चों कि आप हिंदी में बहुत अच्छा नंबर जो है वो पा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप को उसमें बहुत आगे बढ़ते हुए खुद ब खुद पाएंगे, और ऐसी उम्मीद और ऐसी हम आपसे उपेक्षा रखते हैं, और इस तरह हमारी आकांक्षाओं पर आप खरे उतरें। इस उम्मीद और आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।